फ्रेंड्स, आज हम एक नई वैकेंसी के साथ आए हैं जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। इसमें आई वैकेंसी के बारे में आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें ताकि आपकी सारी क्वेरीज जो यहीं पे सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो यहाँ पे ये इसका नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि ये जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में है। एक साल का इनिशियली आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रखा जाएगा। देन अगर मान लीजिए प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट नहीं होता है तो प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड है वो बढ़ा दिया जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है बढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें ऐसा साफ साफ मेंशन है। अब बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें बी और बीटेक के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हैं। और ब्रांच की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के भी कैंडिडेट यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट जो है 25 साल है और जो क्रूशियल डेट है मतलब 25 साल जो है उनका 1 सितंबर 2018 तक अगर 25 साल हो गया है तब वो इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर सकते। मान यानी कि जो अपर लिमिट एज है वो 25 साल दी गई है, तो ध्यान रखिएगा। जो रिलैक्सेशन है वो भी दिया जाएगा बाकी जो कैंडिडेट हैं जैसे एससी एसटी ओबीसी के लिए। अब बात करेंगे नंबर ऑफ़ पोस्ट की। तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पे 147 है टोटल, और इलेक्ट्रॉनिक की जो है सबसे ज़्यादा पोस्ट है, देन मैकेनिकल की, देन कंप्यूटर साइंस की, देन इलेक्ट्रिकल की। अब बात करेंगे क्या आपको इसमें सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो जो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी आपको 23,000 पर मंथ जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी इस जॉब में। और पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको बता ही दिया कि एक साल का इनिशियली जो है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में रखा जाएगा। देन आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अगर मान लीजिए बढ़ जाता है, डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी बढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ और मेंशन है कि आपको जो है मिनिमम जो है 6 महीने इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए तब जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मतलब मिनिमम एक्सपीरियंस जो है 6 मंथ का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। और ब्रांच की बात किया जाए हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग दिया गया है। मतलब आप जिस ब्रांच के लिए फ़िलअप करना चाहते हैं तो उस ब्रांच में जो है आपका मिनिमम 6 मंथ का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे आप कोई सा भी ब्रांच फ़िलअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रांच भी ले रखा है, साथ ही साथ फील्ड भी लिख रखा है, आप नोटिफिकेशन के गो थ्रू हो सकते हैं। देन अब बात करेंगे ये फॉर्म स्टार्ट कब हो रहा है। तो ये बता दूं ये फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से और लास्ट डेट है इस फॉर्म की 30 अगस्त। अब बात करेंगे मेथड ऑफ़ सिलेक्शन की। तो मेथड ऑफ़ सिलेक्शन जो है यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि रिटन टेस्ट होगा ऑब्जेक्टिव बेसिस पे और देन इंटरव्यू होगा। ये ध्यान रखिएगा ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटन टेस्ट होगा ये जब डिपेंड करेगा जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को ज़्यादा फिलअप कर देंगे तब जो है ये प्रोसेस अपनाया जाएगा। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो है कम फिलअप किए इस फॉर्म को तो आपका सिर्फ जो है आपके परसेंटेज मतलब आपके जो बी और बीटेक में परसेंटेज है उसके बेसिस पे और इंटरव्यू के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट जो है वेबसाइट में लॉन्च किया जाएगा। और जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका बेंगलोर होगा, ध्यान रखिएगा बेंगलोर इसका जॉब लोकेशन है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा इसमें उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसको एमएस ऑफिस वगैरह आता हो। और साथ ही साथ एक सैप होता है जो इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, ये कंप्यूटर बेस मतलब एक एप्लीकेशन होता है सैप, उसकी नॉलेज है तो यहाँ पर जो है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी यहाँ पर मैंशन है। अब बात करेंगे फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे लिंक देख रहे हैं, उस लिंक पे जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे और फॉर्म को वहाँ से फ़िलअप कर सकते हैं, लिंक जो है प्रोवाइड किया गया है। जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको प्लेटफॉर्म खुल जाएगा जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपसे पूछी गई है उस इन्फॉर्मेशन को आपको फ़िलअप कर देना है और जो भी इसमें चीज़ पूछा है उसको सबमिट कर देना है, ठीक है। तो ये इसका हो गया ऑनलाइन फॉर्म को फ़िलअप करने का तरीका। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो जो है पसंद आया हो, और अगर नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हमारे चैनल में जो है जॉब से रिलेटेड, टेक्निकल एमसीक्यू से रिलेटेड, जनरल साइंस रिलेटेड और करंट अफेयर के वीडियो जो है प्रोवाइड किए जाते हैं, डाले जाते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से वीडियो को मैं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।